पिक्स 40 साल की हुई सिंगर नीति मोहन फरवरी में बॉयफ्रेंड से रचाई थी शादी। बॉलीवुड सिंगर नीति मोहन आज अपना 40वां जन्मदिन मना रही हैं। नीति का जन्म 18 नवंबर 1979 को दिल्ली में हुआ था। उन्हें गाने का शौक था और इसी के चलते उन्होंने सिंगिंग सीखना शुरू किया। नीति हिंदी फिल्मों के साथ साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, पंजाबी और अंग्रेजी में भी गाने गाती हैं। नीति ने साल 2012 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के गाने इश्कवाला लव से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और इस गाने को काफी पसंद भी किया गया। इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन गाने गाए और इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। बीते दिनों नीति अपनी शादी के चलते खूब सुर्खियों में रही थी। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड और एक्टर निहार पंड्या से फरवरी में शादी रचाई थी। दोनों की शादी बेहद शानदार रही थी। निहार ने फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। नीति और निहार की शादी हैदराबाद में हुई थी। दोनों की शादी हैदराबाद के होटल फलकनुमा पैलेस से हुई थी। शादी की तस्वीरें 3 दिन बाद सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी। नीति ने अपनी शादी में पिंक फ्लोरल लहंगे और हाथों में लाल चूड़ा पहने नजर आई थी। वहीं निहार क्रीम शेरवानी और पिंक पगड़ी में बेहद हैंडसम दिख रहे थे। वहीं इसके अलावा मेहंदी की तस्वीर भी सामने आई थी। दोनों ने अपनी शादी में जमकर तर मस्ती की। नीति मोहन और निहार पांड्या की संगीत और मेहंदी सेरेमनी में भी स्टार्स ने जमकर धमाल मचाया था। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना अपनी पत्नी ताहिरा कश्यप और भाई अपाशक्ति खुराना के इस शादी में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि निहार का नाम बॉलीवुड की मस्तानी के साथ भी जोड़ा गया है। निहार दीपिका पादुकोण के बॉयफ्रेंड लिस्ट में आते हैं। फिल्मों में स्ट्रगल पीरियड के दौरान वो मॉडल निहार पंड्या को डेट कर रही थी। मुंबई में अपना करियर बनाने आई दीपिका की उस दौर में निहार से मुलाकात हुई और दोनों का अफेयर शुरू हो गया था।